प्रणाम। सभी तपस्वी सुख शाता में है ना? आप सभी का धन्यवाद। कई रिस्पॉन्स आए, उसमें से एक रिस्पॉन्स शेयर करना चाहते हैं। ये है सूरत का परिवार। आइम्बिल ना सही, सबने एकाशना किया। उसमें घर के एक सदस्य ने बाकी तीन सदस्यों को एकाशना करते देखा, पर उन्होंने सुबह कच्चा पानी वापर लिया तो अपनी जीवा पर कंट्रोल करके उन्होंने भी एक ही टाइम पूरे दिन में खाना खाया और इस तरह तप करके उन्होंने भी कर्मों की निर्जरा की। आप सभी की तहे दिल से अनुमोदना है। आज बात करनी है नौवीं निर्जरा भावना की। निर्जरा यानी पुराने कर्मों का नाश करना, और तप ये निर्जरा करने का सबसे मुख्य साधन है। तप के कुल 12 प्रकार है, 6 प्रकार के बाह्य तप और 6 प्रकार के अभ्यंतर तप। बाह्य तप में अनशन यानी आहार नहीं लेना, उणोदरी यानी भूख से कम वापरना, वृत्तिक संक्षेप यानी लिमिटेड चीजों को वापरना, रस त्याग और विगय त्याग यानी महाविगयों का तो संपूर्ण त्याग पर जीवा को ललचाए ऐसे 6 विगयों का त्याग करना, काय क्लेश यानी कर्मों की निर्जरा के लिए शरीर को कष्ट देना, और आखिर में संलिनता यानी इंद्रिय और कषायों को रोकना अटकाना। और लगभग आयमिल करने से ये 6 के 6 प्रकार के बाह्य तप हो जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आइम्बिल से कुछ समय के लिए अर्थात इत्वर कथित अनशन होता है, 6 विगयों का त्याग यानी रस त्याग भी हो जाता है, भूख से यदि कम खाएंगे तो उणोदरी व्रत होगा, और आइम्बिल शाला से घर पर तो कम लिमिटेड चीजें ही बनेगी यानी वृत्ति संक्षेप भी हो गया। अब जो आइम्बिल करने वाली बहनें हैं वे पहले रसोई खुद बनाएंगी यानी काय क्लेश करेंगे, और इंद्रियों को अशुभ मार्ग से जाते रोका तो संलिनता का भी तप हो गया। एक आइम्बिल और 6-6 तप के फायदे, जो पक्का बनिया होगा ना तो ये मुनाफे के दिन क्या एक भी क्षण गवाएगा नहीं। वैसे 6 प्रकार के अभ्यंतर तप भी होते हैं, आज गौर करते हैं उसमें से एक यानी स्वाध्याय पर। सम्यक ज्ञान पढ़ना, पढ़ाना, चिंतन करना, पुनरावर्तन करना, धर्म कथा करना, ये सारी बातें आती है स्वाध्याय में। आज से कुछ इस प्रकार का हमें भी स्वाध्याय शुरू करना है। आज से शाश्वता नवपद ओली शुरू होती है, और आज प्रथम दिन यानी अरिहंत पद की आराधना। अरि यानी दुश्मन और हंत यानी नाश करना, राग द्वेष रूपी अंतर शत्रु को जिन्होंने नाश किया है वैसे 12 गुणों से युक्त यदि ऐसी शक्ति मुझ में आ जाए तो सभी जीवों को दुखों से मुक्त करूं, जो होवे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करूं शासन रसी के भावों से युक्त, ऐसे अरिहंत प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हैं। आज ही से महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज और महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज रचित श्रीपाल मैना के रास का भी वांचन शुरू होता है। आसो और चैत्र मास की ओली में 9 दिन आइम्बिल करके श्री सिद्ध चक्र जी की जो आराधना करते हैं उनका श्रीपाल और मैना के जैसे दुख और रोग नाश होते हैं और सुख संपत्ति की वृद्धि के साथ परलोक में भी सदगति की प्राप्ति होती है। ऐसा राजगृही नगरी में श्री गौतम स्वामी महाराज श्रेणिक महाराजा को देशना देते वक्त कह रहे थे। श्रेणिक महाराजा ने पूछा, ये श्रीपाल राजा कौन है? तब उन्होंने श्रीपाल और मैणा के चरित्र का वर्णन शुरू किया। मालव देश की राजधानी उज्जैनी नगरी के राजा प्रजापाल की 2 रानियां थी, शैव धर्म को मानने वाली सौभाग्य सुंदरी की बेटी हुई सूर सुंदरी, और जिन धर्म को मानने वाली रूप सुंदरी रानी की बेटी हुई मैणा सुंदरी। दोनों ने अपने गुरुजनों के पास समय आने पर शिक्षा ग्रहण की और राजा ने सभा के समक्ष परीक्षा लेने बुलाया। दोनों बेटियों को कई सारे प्रश्न पूछे और आखिर में पिता ने खुश होके कहा, आप दोनों पे मैं प्रसन्न हूँ, आप जो मांगोगे वो इनाम दूंगा, क्योंकि सारे सुख मेरी कृपा से ही सबको मिलते हैं। सुर सुंदरी ने तो हाँ में हाँ भर दी, पर जिन मत प्रेमी मैणा सुंदरी ने कहा, कर्मों के बंधन से बंधित हमें किसी भी बात का गर्व करना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख और दुख कर्म के उदय से आते हैं। राजा सूर सुंदरी पर खुश होकर सभा में उपस्थित अरिदमन राजा के साथ शादी करने की इच्छा को स्वीकृत करते हैं और मैणा पे क्रोधित होकर आग बबूले हो जाते हैं। क्रोध से भड़के राजा को मंत्रीश्वर ने वाटिका घुमाने लेके गए, तब दूर से 700 कोढ़ियों का सैन्य आते देखा और करीब आके गलितांगुली नाम के सेवक ने राजा से अपने उम्र आने के लिए कन्या की मांग रखी
अपनी कीर्ति बचाने अहंकारी की जाल में गूंचे हुए राजा ने उंबर राणे को महल में आने का आमंत्रित किया। और ये उंबर राणा महल की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, कर्मों की गति कैसी है, आइए ये कथा सुनने के लिए आप हमारे ऑडियो का इंतजार करना।